देख रहे हैं आपका अपना नंबर वन यूट्यूब न्यूज चैनल एमपी 9 भारत पर खबरों में दम। सबसे पहले हम अधिक से अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एमपी 9 भारत वर्ष। एमपी 9 भारत वर्ष कर रहा है बाड़ों की परिक्रमा। हम दिखा रहे हैं बाड़ों के रुझान। आखिर किस करवट बैठेगा ऊंट, किसके सर पर बंधेगा ताज, बाढ़ का मुखिया आखिर कौन बनेगा, जिसको लेकर हम पहुंचे हैं दभो नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 में। यहां पर कड़ा मुकाबला बना हुआ है। त्रिकोणी था लेकिन अब दो कोणों बन गया है आमने सामने टक्कर, कांग्रेस और भाजपा की। भाजपा से यदि बात करें तो मंडल महामंत्री ऊषा रविंद्र चिकवा चुनाव मैदान में है। आखिर क्या जनमत है, कितना मतदाता इनके साथ है, हम सीधी बात करेंगे। यहाँ पर हम प्रत्याशी से भी पूछेंगे किन विकास कार्यों को लेकर चुनाव मैदान में। जब तक आप बने रहिए एमपी 9 भारत वर्ष के साथ। चिकवा जी, आप एक महामंत्री के पद पर पदस्थ हो, अचानक से आप चुनाव मैदान में आए हो, क्या कारण रहा है? यही कारण है कि लोगों की समस्याएं होती हैं, कहीं रोड की समस्या है, सफाई की समस्या है, बिजली लाइट की समस्या है और जल पानी की समस्याएं होती हैं, तो मैंने सोचा कि लोगों की सेवा करें। इस बार 8 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, आप मतदाताओं के बीच में पहुँच रहे हो, कैसा माहौल है मतदाताओं के बीच? मतदाताओं का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है, सभी लोगों से जा रहा है, बहुत अच्छा इसमें आशीर्वाद मिल रहा है। अगर राजनीति की बात करें तो आपके घर का राजनीति से काफ़ी बड़ा नाता रहा है, आपके पिताजी कई बार चुनाव भी लड़े, काफ़ी जनमत रहा है। तो ये बहुत छोटा चुनाव है बाढ़ का, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से आप बाढ़ का चुनाव जीत पाएंगे? मुझे लग रहा है कि लोगों का अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है और बाढ़ का चुनाव हम अच्छी तरीके से जीतेंगे। अच्छे यदि बाढ़ के मतदाता आप पर भरोसा जताते हैं, ऊषा रविंद्र चिकवा यदि बाढ़ के मुखिया बनते हैं, तो सबसे पहले क्या विकास कार्य कराए जाएंगे आप? सबसे पहले जो शासन की नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुँचाएंगे, उनको लाभ दिलाएंगे, जैसे आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत से लोग वंचित रह रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पाया और जिनको नहीं मिलना था उनको मिल गया, तो सबसे पहले तो उन लोगों को लाभ देना। अगर नगर परिषद की बात करें तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, 20,000 रुपये दे के आवास दिए जा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे, उनसे मतलब 1 रुपये किसी का नहीं लगने देंगे। 6 तारीख को चुनाव है, मतदाताओं से आपकी क्या अपील है? हमारी 6 तारीख को जो मतदान है, हमारे मतदाताओं से ये अपील है कि श्रीमती ऊषा रविंद्र चिकवा को भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान दूसरे नंबर पर बटन दबा के भारी मतों से विजय बनाएं